हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कंबाइंड इलेक्ट्रोड। तो जो पीएच मीटर का पार्ट थ्री है, दैट इज़ द कंबाइंड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इज़ द पीएच मीटर के बारे में बताया, सेकेंड पार्ट में हमने ग्लास इलेक्ट्रोड एंड कैलोमिल इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया। नाउ दिस इज द पार्ट थ्री इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंबाइंड इलेक्ट्रोड। डायग्राम में हमें कंबाइंड इलेक्ट्रोड दिख रहा है, जिसमें दोनों सिस्टम को एक साथ कंबाइन किया है एज ए सिंगल यूनिट। फर्स्ट उसमें देखो, नीचे से थिन ग्लास बल्ब दिख रहा है, उसके ऊपर पोरस प्लग है, उसके ऊपर सैचुरेटेड KCl है, 0.1 मोलर, यहाँ पे मोलर HCl लिया है, और देन इलेक्ट्रोड को दिखाया है, जिसको वहाँ ब्लैक कलर का एक पोर्शन दिख रहा है, दैट इज़ द कैलोमिल इलेक्ट्रोड। उसके बाजू में वहाँ जो वायर दिख रहा है, दैट इज सिल्वर वायर कोटेड विथ सिल्वर क्लोराइड। ये अंदर वाला जो बना है, दैट इज़ अ थिन ग्लास ट्यूब से बना है, एंड बाहर वाला इलेक्ट्रोड बॉडी दिखा रहा है, ऊपर कैप है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द पीएच मीटर। तो दोनों यूनिट को जब हम कंबाइन इनटू अ सिंगल यूनिट करते हैं, तो हमें कंबाइंड इलेक्ट्रोड मिलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज ए सिंगल यूनिट, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे और एज ए सिंगल यूनिट रखेंगे, तो हमें कंबाइन इलेक्ट्रोड मिलेगा। अब कंबाइन इलेक्ट्रोड का ये एडवांटेज है कि इसके लिए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नीडेड। इसमें बहुत छोटे वॉल्यूम में भी अगर सोल्यूशन है, तो हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। बट अगर इफ़ यू रिमेम्बर, ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमेल इलेक्ट्रोड के नीचे हमने बीकर रखा था, और बीकर भर के हमने सोल्यूशन रखा था जिसका हमें पीएच काउंट था। तो इन दैट केस, ये जो कंबाइन इलेक्ट्रोड का एडवांटेज है कि ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड, हम स्मॉलर वॉल्यूम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज है, ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि हम दोनों इलेक्ट्रोड को एक के अंदर एक लगा रहे हैं, इट इज़ वेरी हाई कॉस्ट। एंड सेकेंड है, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, जैसे मर्क्यूरी, हम प्लैटिनम वायर यूज़ किए, प्लैटिनम वायर टूटता है, तो हमें पूरा यूनिट डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो द डिसएडवांटेज इज़ दैट इट्स अ हाई कॉस्ट, एंड द फैक्ट दैट इट मस्ट बी डिस्कार्डेड इफ़ एनी ऑफ द एलिमेंट फेल्स। लेट अस सी द एप्लीकेशंस। पीएच मीटर इज़ यूज टू मेजर पीएच ऑफ ए गिवन सोल्यूशन, हमने पहले देख लिया है। पीएच मीटर क्या करता है, पीएच ऑफ द सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो जो बायोलॉजिकल रिसर्च में हमें बफर्स निकालने रहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर पीएच का ही बफर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए पीएच मीटर इज़ यूज्ड। सेकेंड, द मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ ए ब्लड और यूरिन गिव्स इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डॉक्टर जब बीमार होते हैं, तो कौन सी बीमारी है पता लगाने के लिए पीएच ऑफ द ब्लड या यूरिन निकाला जाता है, तो वो जब करा जाता है, तो वहाँ भी हमें पीएच मीटर हेल्प करता है। पीएच डिटरमाइन नॉट ओनली द एक्टिविटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बट ऑल्सो बी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, पीएच जो है डिटरमाइन करता है एक्टिविटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और उसके साथ स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर भी हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए। टू मॉनिटर पीएच लेवल ऑफ सॉइल, ठीक है, अब सॉइल के लिए भी जो प्लांट्स है, कभी कभी हमें उतना फ्रूट्स नहीं देता जितना हमें देना चाहिए, तो उसका ग्रोथ नहीं होता, मेनी चीज़ें होती है। अब मे बी बिकॉज ऑफ सॉइल का पीएच में वेरिएशन, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, तो अगर उसमें वेरिएशन आया, तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, यू विल नॉट गेट द फ्रूट्स, एंड मेनी सच प्रॉब्लम्स विल ऑकर। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम सॉइल का पीएच निकालते हैं। अगर एसिडिक है, उसमें बेस अल्कलाइन करना है, तो हम अल्कलाइन वाला सब्सटेंस ऐड करेंगे, या वाइस वर्सा। तो टू मॉनिटर पीएच लेवल ऑफ द सॉइल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमें पीएच मीटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बारिश के दिनों में एसिडिक रेन होती है, तो एसिडिक है, तो पोल्यूटेंट्स कितने लेवल पे प्रेजेंट है, अगर वो फाइंड आउट करना है, तो भी हम पीएच मीटर यूज़ करेंगे। टू मॉनिटर पीएच ऑफ रेन सो दैट वी कैन डिटेक्ट द पोल्यूटेंट्स इन द एयर इफ़ रेन वाटर बिकम मोर एसिडिक। टू मॉनिटर पीएच ऑफ मेनी अदर डेली यूज्ड प्रोडक्ट लाइक मिल्क, क्योंकि पैकेट वाला जो मिल्क आता है, अगर वो बहुत एसिडिक है, तो वो भी डिटरमाइन करने के लिए पीएच यूज़ करते हैं। शैम्पू जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको भी एक पर्टिकुलर पीएच का ही होना चाहिए, तो वो भी डिटरमाइन करने के लिए, एंड मेनी सच थिंग्स। टू मॉनिटर पीएच ऑफ मेनी अदर डेली यूज्ड प्रोडक्ट लाइक मिल्क, शैम्पू एक्सेट्रा। सो लेट अस सी सम एडवांटेजेस ऑफ पीएच मीटर। दे गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, दे कैन बी इजिली यूज्ड, the ph reading is easier comparatively to note down, it give more precise measurement as they can measure up to 1/100 of ph unit। thank you।